दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत में एक नई आपके भर्ती आई है, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसमें नौकरी करें और बेहतरीन अर्निंग कर पाएं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो भर्ती आई है उसका नाम है ग्राम स्वास्थ्य सेवका 2023। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए बेहतरीन खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये सरकार ने स्कीम को अभी लॉन्च किया है। मुझे आज ही पता चला तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो जरूर क्रिएट करूंगा। जितने भी हमारे दर्शक भाई हैं तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश भर में जितने भी ग्राम पंचायत है, हर एक ग्राम पंचायत में एक महिला की नियुक्ति होगी और उस महिला का नाम दिया गया है ग्राम स्वास्थ्य सेवका, या इस भर्ती का नाम दिया गया ग्राम स्वास्थ्य सेवका भर्ती। तो इस भर्ती का कैसे आवेदन करना होगा, कितना वेतन मिलेगा, किन लोगों का होगा वगैरह, पूरी डिटेल्स के साथ आज हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको ए टू जेड जानकारी समझ में आए। साथ साथ इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जितने भी आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर सके। तो बात करने वाला हूं मैं आज ग्राम पंचायत में एक जो नई भर्ती है ग्राम स्वास्थ्य सेवका, उसके लिए आपको डिटेल जानकारी के लिए आपको आ जाना है किसी भी ब्राउजर पर, और यहां पर सर्च करना है ग्राम स्वास्थ्य सेवका झागड़े न्यूज, आपको जरूर डालना है। ऐसे डालेंगे तो आपको पहला ही लिंक मिलेगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत में आई नई भर्ती है, पूरा मैंने डिटेल बता रखा है और यहाँ पर सारी ए टू जेड जानकारी मैंने दी है, क्या भर्ती है, कौन सी लोग अप्लाई कर पाएंगे वगैरह सारा डिटेल दिया है। अभी मैंने यहाँ पर कुछ कम जानकारी लिखी है, मैं जल्दी से और ऐड कर दूंगा। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप पढ़िएगा और पढ़कर आपको और डिटेल मिलेगी। दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में ना स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे हैं, इसके तहत ये भर्ती है। आपको पता है स्वयं सहायता समूह में 10 महिलाओं का एक संगठन होता है, उसमें अलग अलग पद होते हैं और उन पदों में से ही एक स्वयं सहायता समूह का जो पद है महिला है उसको ग्राम स्वास्थ्य सेवका मिशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, ग्राम स्वास्थ्य सेवका बनाया जाएगा। और वो क्या, उसका काम क्या होगा कि अपने ग्राम पंचायत स्तर पर जितनी मेडिकल से रिलेटेड सेवाएं हैं, स्वास्थ्य रिलेटेड सेवाएं वो प्रदान करेगी। इसके लिए सरकार मानदेय भी देने की ऐलान करने वाली, हालांकि इसका मानदेय कितना होगा ये सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है। मैं और डिटेल इस पर लाकर आपको बताऊंगा मानदेय कैसे होगा। अब भर्ती के जुड़े आपको बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, क्या मैं इस भर्ती पे अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, मतलब कि देखिए स्वयं सहायता समूह में महिलाएं ही जुड़ती हैं, तो आप मान लीजिए कि भर्ती महिलाओं के लिए ही है पहली बात। तो अब महिला होने के साथ साथ आपको स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना आवश्यक है, क्योंकि जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ा है वही केवल इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्या स्वयं सहायता समूह के अलावा भी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका आंसर नो ही होगा। अगर आप ग्रुप से जुड़े हैं स्वयं सहायता समूह से तभी अप्लाई कर पाएंगे। अब उनमें से 10 महिलाएं हैं तो उनमें किसको वरीयता दी जाएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो ज्यादा एलिजिबल होगा, योग्य होगा, उसको इसकी स्वयं सहायता समूह के जरिए जो ग्राम स्वास्थ्य सेवका भर्ती आई उसको पद दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि हो सकता है ग्राम पंचायत स्तर पर एक से अधिक स्वयं सहायता समूह है, तो उनमें कैसे आवेदन करना होगा, उनमें किसको वरीयता दी जाएगी? तो फिर से वही सवाल आता है कि मेरिट के आधार पर जितना जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसी को इस भर्ती पर नियुक्ति दे दी जाएगी। अब बात आती है कि इसे कैसे आवेदन करना है। तो देखिए इसका आवेदन आपके जो स्वयं सहायता समूह के हेड है ना, हेड जो पूरा आपका जिला देखते होंगे, आपको उनसे कॉन्टेक्ट करना होगा, उनसे इसका फॉर्म लेना होगा, भरकर उन्हीं को जमा करना होगा। इसके बाद फिर चयन होगा, फिर ट्रेनिंग होगी, फिर आपको इस पद पर नियुक्ति दी जाएगी। अब बात करते हैं क्या इस पर वेतन मिलेगा। तो बिल्कुल दोस्तों इस पर वेतन मिलेगा, लेकिन सरकार ने भी ये ऐलान नहीं किया है कि कितना वेतन मिलेगा। इसके लिए आप हमारे आर्टिकल पर जरूर आइएगा, मैं चीजें और यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ जैसे जैसे मुझे और जानकारी मिल पा रही। अभी मेरे पास जो जितनी जानकारी थी वो मेरे पास इतनी ही जानकारी थी। आपका कोई सवाल है, आप और अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको कल या परसों तक आपको बेहतरीन सी पूरी जानकारी और दे दूंगा, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो पूरा बना दूंगा। तो अगर आप ये चाहते तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरा डिटेल वीडियो और बना दूंगा, सैलरी कैसे मिलेगी, फॉर्म कैसा होगा वगैरह वगैरह। क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला, जब मैं अपने गांव में आज आया तो मुझे पता चला कोई वैकेंसी चल रही है, तो मैंने फिर थोड़ा सा पता किया तो पता चला कि ग्राम
पंचायत स्तर पर जो भी स्वयं सहायता समूह बनाए गए, तो उसमें ग्राम स्वास्थ्य सेवकाओं की भर्ती चल रही। इनका काम क्या होगा? स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देना, इनके पास दवाइयां आएंगी तो उसको वितरित करेंगे, किसी को बुखार आता है, किसी को कुछ भी आता है, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए काम किया जाएगा। तो बहुत बेहतरीन भर्ती होने वाली है। अगर आप भी महिला हैं या पुरुष हैं तो आपके घर में कोई ना कोई महिला होगी, अपनी बहन होगी, आपकी वाइफ होगी, आपकी माता जी होंगी, किसी को भी आप इसमें भर्ती कराइएगा। एक क्वेश्चन और आता है, क्या मैं नया स्वयं सहायता समूह बना करके फिर आवेदन कर सकता हूँ? तो बिल्कुल दोस्तों, आप नया स्वयं सहायता समूह भी बना सकते हैं। अगर आपके पास नाम नहीं आपका ऐड है, या आप अपना जो वहां पर ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सहायता समूह चल रहा है तो उस पर भी नया नाम ऐड हो जाता है, उस पर ऐड करा सकते हैं। इसके लिए आप अपने स्वयं सहायता समूह के हेड से बात करनी होगी। अगर नया स्वयं सहायता समूह आप बनाना चाहते हैं और आपको जानना है कैसे बनाना है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं नया स्वयं सहायता समूह कैसे बनाया जाएगा उसका डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये जानकारी अगर आपको हमें पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और साथ साथ देखिए, ये हो सकता है पूरे उत्तर प्रदेश भर में काम, मतलब ये भर्ती ना चल रही हो, तो आपके स्टेट में, आपके जिले में भर्ती है या नहीं आप हमें जरूर बताइएगा। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप हमें इन चीजों की जानकारी दीजिए, जिससे मैं भी थोड़ी जानकारी और इकट्ठा करूँ और आप लोगों तक पहुंचा सकूँ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए मैंने बताया कि कैसे आपको सर्च करना हमारा आर्टिकल, और आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।